मेथरा जिले में किसानों को लगातार प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ रहा है। जहां जनवरी में बारिश ने किसानों को नुकसान पहुंचाया, वहीं फरवरी मार्च में ओलावृष्टि से चने की फसल चौपट हो गई। हालांकि जिले प्रशासन ने सर्वे कराया है, मगर किसान पिछले 6 माह से मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं तो जिले में 55,000 एकड़ में की गई सोयाबीन की फसल भी पूरे तरीके से बारिश और कीट की भेंट चढ़ गई है। ऐसे में जिले में 70-80 करोड़ की सोयाबीन की क्षति हो जाने की संभावना जताई जा रही है। सोयाबीन में कीट प्रकोप जो है उसमें जो मुख्य रूप से अभी 3 प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। एक तो मोज़ेक रोग लगा हुआ है, उसमें उसको जो है फैलाने का काम ट्रांसमिशन का व्हाइट फ्लाई करती है। तो उस व्हाइट फ्लाई को हमको कंट्रोल करने से आपको मोज़ेक कंट्रोल होगा। तो व्हाइट फ्लाई के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथिज़ोन या ऐसे टेमिप्रिड कोई भी एक दवाई को उपयोग कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके जो आगे जो मोज़ेक रोग है वो फैलने से रुक जाते हैं। इंदौर में